भारत में कुछ ऐसे गांव हैं जो कभी यहां के निवासियों से गुलजार हुआ करती थी। मतलब इन गांवों में लोग पहले रहते थे, मगर ये गांव आज वीरान पड़े हैं। और कहा जाता है कि जैसे जैसे समय बीतता गया, यहां भूतों का डेरा बनता गया। और अब आलम ये है कि शाम होते ही यहां एक भी इंसान रुकना नहीं चाहता, और उसकी वजह है डर। लोगों का कहना है कि इन गांवों में ऐसी अजीबोगरीब घटनाएं देखी गई हैं कि जिनकी वजह से लोगों में डर बैठ गया है। एक बात और बता दूं कि इस वीडियो में कुछ गांव आपको ऐसे भी मिलेंगे जो आपको हैरत में डाल सकते हैं, जो अपने रहस्यमय सवालों की वजह से लोगों के अट्रैक्शन का कारण भी बने हुए हैं। आइए आज आपको बताते हैं हमारे भारत की ऐसी ही 10 रहस्यमयी और डरावनी गांवों के बारे में। मगर वीडियो शुरू करने से पहले एक बात और बता दूं कि हाल फिलहाल पिछले कुछ दिनों के वीडियो में हमने 10 रहस्यमयी खजाने और 5 रहस्यमयी लापता समुद्री जहाज घटनाओं के बारे में बताया है, जो काफी इंटरेस्टिंग है। और आप देखना चाहें तो हमारे चैनल में जाकर देख सकते हैं। मुझे विश्वास है कि आपको पसंद जरूर आएगा। एक बात और कि ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज लाइक एंड ऐसे ही और वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे आगे आपको हमारे नए वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। आइए अब शुरू करते हैं। नमस्कार, रहस्यमय सफर के पूरे टीम की तरफ से रहस्यमय सफर यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। भारत में एक ऐसा भी गांव है जहां करीब 300 साल से लोगों ने होली नहीं मनाई है। होली आते ही इस गांव में सन्नाटा पसर जाता है, जैसे कि मातम छाया हुआ हो। झारखंड में मौजूद इस गांव को दुर्गापुर के नाम से जाना जाता है। इस गांव के लोग होली पर रंग नहीं खेलते, क्योंकि उनका मानना है कि ऐसा करने से गांव में भयंकर महामारी और आपदा आ जाएगी। कहा जाता है कि 9000 की आबादी वाले इस गांव के लोग अपने मरे हुए राजा के आदेशों का आज भी पालन करते हैं, और इस डर से सहमे हुए रहते हैं कि अगर उन्होंने राजा के आदेशों का पालन नहीं किया तो उनका भूत गांव में आकर तबाही मचा देगा। अब कहानी कुछ ऐसी है कि आज से लगभग 300 साल पहले इस गांव में दुर्गा प्रसाद नामक राजा का शासन था, और उस राजा को होली का त्योहार बेहद पसंद था। लेकिन एक रोज होली के दिन उनके बेटे की मौत हो गई। उसके बाद से जब भी यहां पर होली का त्योहार मनाया जाता तो या तो यहां सूखा पड़ जाता, नहीं तो कोई महामारी फैल जाती। इसीलिए उस राजा ने होली ना मनाने का आदेश दिया, और तब से इस गांव में होली मनाना बंद हो गया। इस गांव के लोग आज भी राजा के आदेश का पालन कर रहे हैं, क्योंकि इत्तेफाक देखिए कि जिस राजा ने गांव की भलाई के लिए ये नियम बनाया, उस राजा की भी मौत होली के दिन ही हो गई। इसलिए लोगों का डर और मजबूत हो गया, और होली इस गांव के लिए मनहूस हो गई। नंबर 2, वेनाग्राम, द विलेज ऑफ घोस्ट। ये गांव भारत के पश्चिम बंगाल में है, और इस गांव में जाने के नाम मात्र से ही अच्छे अच्छे की रूह कांप जाती है। हालांकि यहां के घरों से हमें यह मालूम पड़ता है कि यह पहले एक फलता फूलता गांव रहा होगा, जहां कभी लोग खुशी खुशी रहा करते होंगे। लेकिन कुछ ऐसा हुआ कि इस गांव के सभी लोगों ने धीरे धीरे इस गांव को छोड़ दिया, और आज यहां पर कोई नहीं रहता है, क्योंकि इस गांव को भूतिया माना जाता है। कहा जाता है कि एक समय पर यह गांव अपराध और अपराधियों के लिए गढ़ बन गया था। यहां से गुजरने वाली रेलवे लाइन पर यहां के लोगों को आए दिन कोई ना कोई लाश मिलती रहती थी, क्योंकि दूरस्थ स्थान होने के कारण अपराधी कत्ल किए हुए लाश को यहां पर फेंक दिया करते थे, जिससे यहां के लोगों को हर सुबह उठ के कोई ना कोई लाश का मुंह देखना पड़ता था। कहा जाता है कि धीरे धीरे इस गांव में रहने वाले लोगों का पैरनॉर्मल घटनाओं से भी सामना होने लगा, और ये घटनाएं गांव में तेजी से बढ़ने लगी। इस गांव के लोगों में इतनी दहशत बैठ गई कि सूरज ढलते ही घर से कोई बाहर नहीं निकलता, और इस पूरे ही गांव के लोग भटकती आत्माओं को देखने का दावा करने लगे। और इस गांव में कई हत्याएं भी होने लगी थीं, जिसका कारण लोग भूत बताते थे, और लोगों का मानना था कि ये उन्हीं फेंकी गई लाशों की आत्मा का काम है। वही अनजान लाशों की आत्माएं यहां के लोगों को मार रही है। फिर बाकी जिंदा बचे लोग गांव छोड़ के चले गए। नंबर 3, तैमारा, मतलब तैमारा घाटी।
इस जगह को लेकर फिलहाल लोगों में काफी विवाद है। किसी ने मैग्नेटिक पत्थरों को कारण बताया, तो किसी ने यहां ज्यादा टावर लगे होने का कारण बताया, वहीं किसी ने टाइम ट्रैवल कह डाला, तो किसी ने अंधविश्वास बता डाला। मगर ये सब कंफ्यूजन आपको हर रियल रहस्यमयी घटना को लेकर मिल जाएगी। मगर हमारा रहस्यमय सफर यूट्यूब चैनल विवादों पे नहीं, रहस्यों पे ध्यान देता है, क्योंकि पहले रहस्य उत्पन्न होते हैं, उसके बाद उस पर विवाद छिड़ती है। इसलिए हम इस टॉपिक के विवादों से हटकर इस टॉपिक तैमारा घाटी के रहस्यों पे ध्यान देंगे। हमारा काम किसी सच्ची घटना के रियल कहानी को आप तक पहुंचाना है, और इंटरनेट पर इसके बारे में जो बताया गया है मैं वही यहां बता रहा हूं। आपकी क्या राय है, या फिर अगर कुछ और जानकारी आपके पास है तो आप कमेंट में शेयर कर सकते हैं। वैसे बता दूं कि यह जगह झारखंड के मोस्ट हॉन्टेड NH 33 मार्ग पर स्थित है। दरअसल बात यह है कि झारखंड में मौजूद ये जगह भारत का बरमूडा ट्रेंगल माना जाता है, क्योंकि यहां पर आने के बाद लोगों का जो फिजिकल कंपास है वह सही डायरेक्शन बताने के बजाय इधर उधर घूमने लगता है। कहा जाता है कि इस जगह पर जाने के बाद लोगों के मोबाइल का समय भी बदल जाता है। यहां पर जाते ही लोगों के मोबाइल में साल कभी 2 साल आगे बताएगा, तो कभी 4 साल आगे बताएगा, AM PM में हो जाएगा और PM AM में हो जाएगा। मगर कहा जाता है कि ऐसा हमेशा नहीं होता, इसलिए ना मानने वाले लोग यहां आकर ऐसा ना होने का दावा भी कर देते हैं, और इसलिए इस जगह को लेकर सोशल मीडिया पे आपको 2 तरह के दावे मिलेंगे, जिसमें इस बात को किसी में सच करके दिखाया जाएगा, तो किसी में झूठ साबित करके दिखाया जाएगा, जो ऐसा लगभग हर मिस्टीरियस घटना को लेकर होता है। मगर झारखंड के फेमस हॉन्टेड NH 33 मार्ग पे स्थित इस जगह की रहस्यमय कहानी यही है। वैसे इस जगह को लेकर कोई स्पेशल जानकारी है आपके पास तो कमेंट में शेयर करें। नंबर 4, मलाना। वैसे ये मलाना शब्द अट्रैक्टिव लगता है ना? हिमाचल प्रदेश का मलाना। कहा जाता है कि हिमाचल प्रदेश के कुल्लू जिले में बसा मलाना गांव अपने आप में ही रहस्यमय और दिलचस्प है। सबसे पहली बात, आपको यहां पर कुछ भी छूने की इजाजत नहीं है। जी हां, आप यहां पर कुछ भी छू नहीं सकते। इसके पीछे का कारण ये है कि यहां के लोग अपने आप को सर्वश्रेष्ठ मानते हैं। ऐसे में किसी बाहरी इंसान ने अगर उनके घर, मंदिर, यहां तक कि दुकान को भी छू लिया, तो वहां के निवासी उन पर 1,000 से 2,000 तक के जुर्माना लगा देते हैं। इनका अपना नियम है जिसे यहां के लोग बेहद ही सख्ती से पालन करते हैं। इनका मानना है कि नियम कानून को तोड़ने से उनके देवता नाराज हो जाएंगे, जिससे उनका गांव पूरा तबाह हो जाएगा। बता दूं कि यहां के लोग जमलो ऋषि की पूजा करते हैं। इस गांव के इतिहास के मुताबिक इस गांव में जितने भी नियम कानून है उसे जमलो ऋषि के द्वारा ही बनाया गया था। इस गांव का लोकतंत्र पूरे दुनिया का सबसे प्राचीन लोकतंत्र में से एक है। उनका लेख पुराणों में भी आता है, और इसके अलावा भी यहां के लोगों की अजीबोगरीब मान्यता है। कुछ कहते हैं कि वो सिकंदर के वंशज हैं, और कुछ खुद को आर्यों का वंशज मानते हैं। बता दूं कि यहां की भाषा भी बहुत अजीबोगरीब है। वैसे आपकी क्या राय है, कमेंट में बताइएगा जरूर। नंबर 5, स्वाला गांव, उत्तराखंड। इस गांव के ऊपर हमने ऑलरेडी वीडियो बनाया हुआ है, जिसका टाइटल है रियल तड़पते भूतों का खतरनाक आतंक। लेकिन ये हमारे इस वीडियो के रहस्यमयी गांवों की सूची में शामिल है, इसलिए मैं यहां शॉर्ट में बता रहा हूं। मगर आप पूरी डिटेल में अगर जानना चाहते हैं तो हमारे चैनल में जाकर देख सकते हैं, या फिर डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया गया है, आप वहां से भी जा सकते हैं, या फिर अभी ऊपर आई बटन में क्लिक करके भी देख सकते हैं। उत्तराखंड के चंपावत में आने वाला स्वाला गांव, जिसे घोस्ट विलेज के तौर पर जाना जाता है, कहते हैं यहां सेना के 8 जवानों के भूत घूमते हैं जो गांव में किसी को बसने नहीं देते। एक वक्त था जब स्वाला गांव में खूब चहल पहल हुआ करती थी, लेकिन सन 1952 में हुई एक घटना के बाद सब बदल गया। इस गांव को छोड़कर भागे निवासियों के अनुसार, सालों पहले इस गांव के पास से सेना के जवानों की एक गाड़ी गुजर रही थी, तभी गाड़ी खाई में गिर गई। उस गाड़ी में सेना के 8 जवान थे,
और उन्हीं 8 जवानों की आत्मा आज यहां भटकती है, जो किसी को भी यहां बसने नहीं देते। नंबर 6, शनिशिंगणापुर, महाराष्ट्र। शनिशिंगणापुर, यह गांव अहमदनगर जिले के नेवसे तहसील में है और घोर गांव से 5 किलोमीटर दूर स्थित है। इस गांव का प्रसिद्ध मंदिर श्री शनेश्वर देवस्थान है, जिसके कारण इस गांव का नाम शनिशिंगणापुर पड़ा है। शनिशिंगणापुर गांव की आबादी करीब 3000 है और इस गांव की लोकप्रियता ये है कि यहां विश्व प्रसिद्ध शनि देव मंदिर है। इस गांव की दूसरी लोकप्रियता ये है कि यहां के घरों में दरवाजे नहीं हैं। इस गांव के किसी भी घर में दरवाजा नहीं है। इस गांव के लोगों के घरों में अलमारी, सूटकेस आदि नहीं होते हैं। वे अपना कीमती सामान बैग या बक्सों में रखते हैं। दोस्तों, इस गांव में आने वाले शनि देव के भक्त कभी भी अपने वाहनों को बंद नहीं करते हैं। यहां का मेला कितना भी बड़ा क्यों ना हो, इस गांव से कभी भी कोई कीमती सामान या वाहन चोरी नहीं हुआ है। जानकारी के लिए और थोड़ा बता दूं कि शनिशिंगणापुर में कोई थाना भी नहीं है। ताज्जुब है कि चोर खुला माल होने पर भी चोरी नहीं करता, और अगर चोर चोरी करता है तो वह इस गांव से बाहर नहीं जा पाता, क्योंकि गांव के लोग शनिदेव की पूजा करते हैं। इसलिए कहा जाता है कि शनिदेव की असीम कृपा यहां के निवासियों पर बनी रहती है। नंबर 7, कुलधरा गांव। वैसे इस गांव से बहुत से लोग वाकिफ होंगे, मगर बता दूं कि इस गांव को लेकर 2 कहानियां फैली हुई हैं और ये गांव हमारे इस वीडियो की रहस्यमयी गांवों की सूची में शामिल है। इसलिए थोड़ा सा बता देता हूं ताकि जिन्हें मालूम ना हो उन्हें जानकारी मिल जाएगी। ये रहस्यों से भरा एक वीरान गांव है। वैसे राजस्थान अपने भीतर कई रहस्य समेटे हुए हैं और उन्हीं में से एक ये गांव भी है, जैसलमेर का कुलधरा गांव। लगभग 200 साल पहले इस गांव के सभी निवासी रातों रात इस गांव को छोड़ करके चले गए थे। इस गांव के वीरान होने के पीछे 2 कहानियां प्रचलित हैं। पहली कहानी यह है कि यहां के राजा सालेन सिंह की बुरी नजर गांव की एक खूबसूरत लड़की पर पड़ गई। वो जबरदस्ती उस लड़की से शादी करने का दबाव गांव वालों पर बनाने लगा और गांव वालों पर अत्याचार करने लगा था। लेकिन इस गांव के लोगों को अपने सम्मान और गौरव के खिलाफ इस तरह की शादी मंजूर नहीं थी, जिससे परेशानी ये थी कि राजा का अत्याचार बढ़ता जा रहा था। फिर ऐसे में इस गांव के मुखिया ने फैसला लिया कि मुखिया समेत गांव के पूरे लोग रातों रात इस गांव को छोड़कर चले जाएंगे। और कहा जाता है कि जाते जाते यहां के लोगों ने इस गांव को श्राप दे रखा कि कोई भी यहां बस नहीं पाएगा। और कहा जाता है कि तब से लेकर आज तक इस गांव में जिसने भी बसने के इरादे से कदम रखा उसको रहस्यमयी शक्तियों का एहसास होने लगता है। कहा जाता है कि यह गांव रूहानी ताकतों के कब्जे में है। वैसे कुछ लोग यहां के लोगों के गांव छोड़कर जाने की बात को नहीं मानते हैं। उनका कहना है कि यहां के लोगों ने गांव छोड़ा नहीं था, बल्कि वे रहस्यमयी तरीके से गायब हुए थे और उन्हीं की आत्मा आज यहां भटकती है। टूरिस्ट प्लेस में बदल चुके कुलधरा गांव घूमने आने वालों के मुताबिक यहां रहने वाले पालीवाल ब्राह्मणों की आहट आज भी सुनाई देती है। उन्हें वहां हर पल ऐसा अनुभव होता है कि कोई आसपास चल रहा है। बाजार के चहल पहल की आवाजें आती हैं, महिलाओं के बात करने और उनकी चूड़ियों और पायलों की आवाज हमेशा ही आती रहती है। मगर कहानी कुछ भी हो, लेकिन आज तक इस गांव में कोई बस नहीं पाया और आज भी इस गांव के दुकान, घर, मंदिर सभी खंडहर बने हुए हैं और ये जगह वीरान पड़ा है। प्रशासन ने इस गांव के सरहद पर एक फाटक बनवा दिया है, जिसके पार सैलानी दिन में तो घूमने आते हैं मगर रात में इस फाटक को पार करने की कोई कोशिश भी नहीं करता। नंबर 8, ट्विंस टाउन, कोडिन्ही गांव। यह गांव केरल में मौजूद है और इस गांव की सबसे रहस्यमय बात यह है कि इस गांव में जितने भी बच्चे जन्म लेते हैं सभी जुड़वा होते हैं। इसी कारण से यहां पर हर जगह आपको हम सकल लोग दिखाई देंगे और इसीलिए इस जगह को ट्विंस टाउन के नाम से भी जाना जाता है। ऐसा क्यों होता है ये अब तक कोई नहीं बता पाया। नंबर 9, मत्तूर गांव, संस्कृत स्पीकिंग विलेज। मत्तूर गांव कर्नाटक में मौजूद है। यहां जाने के बाद आपको ऐसा लगेगा कि आप प्राचीन भारत में जा चुके हो, क्योंकि इस गांव में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी संस्कृत बोलते हुए दिखेंगे। इस गांव के सभी लोग संस्कृत में बात करते हैं
और इनको शिक्षा भी संस्कृत में ही दी जाती है। यहाँ पर बच्चों को वेद पुराण जैसे असली जिंदगी से परिचित कराने वाले सभी ग्रंथों की शिक्षा दी जाती है और यहाँ पर सभी लोग आज भी धोती कुर्ता पहनते हैं। नंबर 10, जतिंगा। 2500 की आबादी वाला यह गांव जतिंगा पक्षी आत्महत्याओं की अस्पष्टीकृत घटना के लिए जाना जाता है। स्थानीय लोगों के मुताबिक चिड़िया के आत्महत्या करने का पैटर्न भी बहुत अजीब है। वो तेज रफ्तार से उड़ती हैं, इसके बाद वो किसी पेड़ या दीवार से टकरा जाती है जिससे उनकी मौत हो जाती है। और साल भर के मुताबिक सितंबर से लेकर नवंबर तक इस तरह की घटनाओं में काफी ज्यादा बढ़ोतरी होती है। वहीं ज्यादातर मामलों में चिड़ियां शाम के 7 बजे से रात 10 बजे के बीच अपनी जान देती हैं। स्थानीय लोग पक्षियों की ऐसे मौत के पीछे का कारण भूतों और कई अलौकिक ताकतों को बताते हैं। गांव वालों के मुताबिक यहां पर कुछ बुरी शक्तियां हैं जिस वजह से चिड़ियां अपनी जान देती हैं। लेकिन विज्ञान के हिसाब से बताया जाता है कि तेज बारिश होने की वजह से जब पक्षी यहां से उड़ने की कोशिश करते हैं तो वो गीले हो जाते हैं और उन्हें उड़ने में दिक्कत होती है। फिर तेज हवाओं की वजह से उनका संतुलन बिगड़ जाता है और वो टकरा कर गिर जाते हैं और वहीं दम तोड़ देते हैं। वैसे अब इसमें लोगों की मान्यताएं सच हैं या वैज्ञानिक तर्क, इस पर फिलहाल विवाद बहुत ज्यादा है, क्योंकि इसी तरह स्कॉटलैंड में एक ब्रिज है, वहां पर पहुंचकर कुत्ते सुसाइड कर लेते हैं। वैज्ञानिकों ने कई बार इस रहस्य से पर्दा उठाने की कोशिश की लेकिन वो नाकामयाब रहे। इस ब्रिज के करीब स्थानीय लोगों के मुताबिक 1950 के आसपास ये पुल बनकर तैयार हुआ था, जिसके बाद से यहां ऐसी घटनाएं हो रही हैं। जिन कुत्तों ने जान दी उनके मालिकों के मुताबिक जब वो वहां पर गए थे तो उनके पालतू जानवर नॉर्मल थे, लेकिन फिर अचानक उन्होंने ऊपर से छलांग लगा दी। वैसे अब आप जतिंगा को लेकर अपनी राय कमेंट में शेयर जरूर कीजिएगा। तो ये थे 10 रियल रहस्यमयी गांव और उनके पीछे की रहस्यमयी कहानी। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक, एंड ऐसे ही और वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉच एंड वेलकम टू आवर चैनल।